क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा देश भी है जहां पर सिर छूना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, जहां पर 35,000 से भी ज्यादा मंदिर हैं, लेकिन फिर भी कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। और क्या आप जानते हैं यहां का कॉकटेल दुनिया का सबसे महंगा है। अगर ये सब सुनकर आपके मन में और भी सवाल उठ रहे हैं ना, तो इस वीडियो को देखे बिना जाइएगा मत। थाईलैंड एक ऐसा रहस्यमय देश है जहाँ पर हर कदम पर कुछ नया और अनोखा है, और हम आपको इसके कुछ सबसे दिलचस्प पहलुओं से रूबरू करवाएंगे। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए जानते हैं थाईलैंड के इन हैरान कर देने वाले राजों के बारे में। थाईलैंड, जिसको कि 1949 से पहले सियाम कहा जाता था, ये एशिया का एक खूबसूरत और रहस्यमय देश है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कि कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, इसीलिए तो इसे फ्रीडम ऑफ द लैंड भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक को स्ट्रीट फूड की राजधानी के रूप में क्यों जानते हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के डिलीशियस रेसिपीज और फ्रूट आइटम्स मिल ही जाते हैं। बैंकॉक की गलियारों में आपको टॉम यम सूप, पैड थाई अपार्टमेंट्स और अनेक तरह के फल मिल जाएंगे जो कि बहुत ही डिलीशियस होते हैं। 19वीं सदी में बैंकॉक को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, क्योंकि आज यहाँ पर आपको चमचमाती सड़कें दिखाई दे रही हैं ना, वो उस समय पूरा बैंकॉक समुद्र में डूबा रहता था, और उस समय ये नहरें शहर के ट्रांसपोर्ट का अहम हिस्सा हुआ करते थे। इसलिए बैंकॉक के कुछ नहरें जैसे कि खलोंग सेन साहिब और खलोंग फादुंग क्रुंग कासिम आज भी फेमस हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि थाईलैंड एक ऐसा देश है जहां पर कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। यहां का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है, जिससे कि 95% लोग मानते हैं, लेकिन मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, सिख जैसे धर्म के लोग भी यहां पर मौजूद हैं। यहां पर कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर 35,000 से भी ज्यादा मंदिर पाए जाते हैं, इसीलिए तो इसे लैंड ऑफ द टेंपल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के मंदिर ना सिर्फ धार्मिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बल्कि घूमने का टूरिस्ट प्लेस भी है। बैंकॉक का वाट फ्रा काउ और चियांग माई का वाट फ्रा थाट दोई सुथैप यहाँ की सबसे फेमस मूर्तियां हैं। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे महंगा कॉकटेल भी बैंकॉक के अमारी आट्रियम होटल में अवेलेबल है। यहाँ का ड्रिंक कल्चर एक पैशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि पैशन फ्रूट कैपेरोस का, टॉम यम सियाम, लंकास्ट्रिया शामिल है। और अगर कभी आप थाईलैंड गए तो ये ड्रिंक आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। इसके अलावा दुनिया के सबसे मशहूर एनर्जी ड्रिंक रेड बुल की शुरुआत भी यहीं से तो हुई थी। थाईलैंड देश में आपको हर इंसान स्माइल करता हुआ ही नजर आएगा, इसीलिए इसे स्माइल ऑफ द सिटी भी कहा जाता है। यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही ओपन माइंडेड होती हैं, और ये हर किसी के साथ इजीली फ्रेंडशिप भी कर लेती हैं, इसीलिए तो इन्हें ओपन माइंडेड वाले लड़के ही पसंद आते हैं। जब टूरिस्ट वहाँ पर घूमने जाते हैं तो वहाँ के लोग हमेशा मुस्कुराते हुए ही टूरिस्ट का स्वागत करते हैं। थाईलैंड देश में आपको दुनिया का सबसे छोटा स्तनपायी जीव यानी कि बम्बलबी बैट से लेकर दुनिया के सबसे बड़े जीव व्हेल शार्क तक देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं थाईलैंड में हाथियों के प्रति प्रेम की। हुआ हिंड शहर में हर साल एलिफेंट पोलो टूर्नामेंट का आयोजन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पोलो और हाथी, इसका वाला क्या मतलब है? जी हाँ, आपको बता दें, यहाँ पर पोलो खेला भी जाता है, वो भी घोड़ों पर नहीं बल्कि हाथियों पर। इस टूर्नामेंट का असली मकसद है कि इन हाथियों के प्रति अवेयरनेस को बढ़ाए। इस टूर्नामेंट के दौरान हाथियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनाए जाते हैं, और उनके साथ एक प्रोफेशनल महावत यानी कि हाथी चालक होता है, जो कि खेल को सुरक्षित बनाए रखने में मदद करते हैं। क्या आप जानते हैं, हर साल इस टूर्नामेंट में जो पैसे जुटाए जाते हैं वो उसे उन्हीं हाथियों की देखभाल, मेडिकल और उनके लिए सेफ एनवायरनमेंट को बनाने में खर्च किया जाता है। इसी वजह से थाईलैंड को एलिफेंट्स का शहर भी कहते हैं। थाईलैंड ये वो जगह है जहाँ पर सिर्फ स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड ही नहीं बल्कि अनोखे रिवाज भी पाए जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आप थाईलैंड में घूम रहे हैं और किसी फ्रेंडली थाई पर्सन से बातचीत करते समय आप उनकी पीठ पर हल्के से हाथ रख देते हैं, तो ये बात वो बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर गलती से भी आप उनके सिर पर हाथ रख दिए तो आपका मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि थाईलैंड देश में सिर को छूना एक बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता है। क्योंकि बौद्ध धर्म में ऐसी मान्यता है कि सिर को शरीर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है, जिसका मतलब है कि अगर आप किसी का सिर छूते हैं तो ये उनके मान सम्मान पर हमला करने जैसा होता है। तो दोस्तों, जब भी आप थाईलैंड जाएं तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। वैसे दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।